नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। आज 6 सितंबर है, साल के 9वें महीने का ये 6वां दिन इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। बराक ओबामा दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत हैं, जो कि 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। बराक ओबामा साल 2008 और 2012 में 2 बार यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके हैं। ओबामा इस पद पर आसीन होने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन हैं। बराक ओबामा आज ही के दिन 6 सितंबर साल 2008 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने थे। शरद चंद्र बोस एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। उन्होंने इंग्लैंड से कानून में शिक्षा प्राप्त की। शरद चंद्र बोस कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य थे और बंगाल विधानसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता थे। शरद चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 6 सितंबर साल 1889 में कलकत्ता में हुआ था। शरद चंद्र ने CR दास के निर्देशन में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्में तो हर कोई बनाता है, लेकिन उस पर छाप कम ही लोग छोड़ पाते हैं। बॉलीवुड के निर्माता यश जौहर की छवि कुछ ऐसी ही थी। उनके द्वारा निर्मित की गई हर फिल्म आज भी दर्शकों को याद आती है। यश जौहर की फिल्मों में सेट और लोकेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। यश जौहर का जन्म आज ही के दिन 6 सितंबर साल 1929 को हुआ था। दुबूरी सुब्बा राव भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 6 सितंबर साल 2008 से 4 सितंबर साल 2013 तक रहा। डी सुब्बा राव 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश कैंडर के अधिकारी रहे हैं। दुबूरी सुब्बा राव ने आज ही के दिन 6 सितंबर साल 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।